क्या करूँ मैं, मर जाऊँ, मेरे को फीलिंग्स नहीं है। सादा कुत्ता टॉमी और मेरा कुत्ता कुत्ता। गाइस मैं अभी फिलहाल निकल चुका हूँ, ऑलरेडी जा रहा है आज के डेस्टिनेशन की ओर। तो गाइस आज कहाँ पर जा रहा है मैं तो ये आप लोग को अभी नहीं बोलूँगा, आप लोग जानने के लिए मेरे साथ ही इस वीडियो में बने रहना पड़ेगा। और चलते चलते फिलहाल अभी आ चुके हैं रोड में, जो कि आप लोग तो बहुत पहले से ही देख रहे हैं। क्या करूँ मैं, मर जाऊँ, मेरे को फीलिंग्स नहीं है। सादा कुत्ता टॉमी और मेरा कुत्ता कुत्ता। सो गाइस मैंने आप लोगों के साथ अभी बहुत ही आप लोगों के साथ मजाक में कर लिया हूँ। सो अभी चलिए डायरेक्टली मैं अपना इंट्रो यहाँ पे ही दे देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग, आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू मेड ब्लॉगर, मैं सुमित। आज मैं आप लोगों को फिर से लेके आया हूँ एक नई बेहतरीन ब्लॉग में। सो अभी हम लोग जाएंगे, सो कहाँ पे जाएंगे मैं तो अभी आप लोगों को नहीं बोलूंगा, क्योंकि आज मतलब जा रहे हैं बहुत ही सुंदर एक बेहतरीन जगह पे। सो लेट्स स्टार्ट, चलते हैं, लेट्स वॉकिंग शो गो। तो चलते चलते अभी शालमारा मोड़ तक आ चुके हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्टैचू है वीर चिलाराय का। तो अभी तो आज हम लोग जाएंगे उत्तर शालमारा की ओर से, जो कि नॉर्थ शालमारा आप लोग बोल सकते हैं। इसी साइड से अगर हम लोग इसी साइड में जाएंगे तो हम लोगों को पड़ेगा नॉर्थ शालमारा, जो कि फिलहाल अभी हम लोग चलते चलते अभी आ चुके हैं फ्लाईओवर तक। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, फ्लाईओवर तो मतलब बहुत ही बड़ा है, यहाँ से बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा गाड़ी आज जा सकता है, आज नहीं सात दिन ही जा सकता है। और अभी फिलहाल स्कूटी को राइड कर रहे हैं हमारा ही आकाश भाई, जो कि आप सबको ही पहचानते हैं। और चलते चलते अभी एक बेहतरीन रोड में आ चुके हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं रास्ता तो देखने में बहुत ही सुंदर है, चारों तरफ से पेड़ ही पेड़, बीच में से जाते हुए हम जो कि एक बहुत ही अच्छे बेहतरीन नज़ारे के साथ अभी चल रहे हैं, फिलहाल चल रहे हैं और चल ही रहे हैं। और कैसे आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को कैसा लगता है लॉन्ग राइड, आप लोग भी मुझे कमेंट करना। और एक बात मैं आप लोग को अभी बोल देता हूँ, जो कि गाइस ये मेरा वीडियो बहुत ही पुराना है, ये मेरा वीडियो 1 साल पहले का है, जो कि मैं अभी पोस्ट कर रहा हूँ। सो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हम लोग को दौड़ने के लिए क्या चाहिए, रोटी चाहिए, सब्जी चाहिए, देन चावल भी चाहिए और बहुत कुछ चाहिए हम लोग को दौड़ने के लिए। लेकिन सेम ही और गाड़ी को भी दौड़ने के लिए क्या चाहिए, गाड़ी को दौड़ने के लिए पेट्रोल चाहिए। सो अभी इसीलिए अभी हम लोग फिलहाल पेट्रोल पंप पर आ चुके हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यही है पेट्रोल पंप, यहाँ पे अभी पेट्रोल खिलाएंगे अपने गाड़ी को, मतलब अपने ही धनों को। सो खिलाने के बाद धनों हम लोग को लेके जाएगा, हम लोग को आज वो जो जगह है वहाँ पे हम धनों हम लोग को लेके जाएगा। सो आप लोग देखते रहिए इसी में ना, और क्या बोलूँगा, सो आप लोग देखते रहिए। धनो अभी बहुत ही मतलब ठूस रहा है, कितना ठूसेगा धनो, मेरा पूरा 400 रुपये ख़त्म कर दिया धनो ने। चल रहे हैं, निकलते निकलते अभी हाई रोड तक आ ही चुके हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए देखिए देखिए, जो कि साइड में है पहाड़, जो कि आप लोग वहाँ पे देख ही सकते हैं, कटा हुआ बहुत ही अच्छा पहाड़। सो गाइस फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा टाइम रेस्ट कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बोल देता हूँ अभी मैं कहाँ हूँ, अभी भी फिलहाल हूँ बेलतला रोड, मतलब यहाँ पे है बेलतला, वो मार्केट के सामने ही हूँ, यहाँ से और ज़्यादा दूर नहीं है। अभी मैं आप लोगों को बोल ही देता हूँ हम लोग कहाँ पर जाएंगे। सो अभी आप लोगों को बोलेंगे आकाश भाई हमारा। हेलो हेलो, अभी हम लोग जा रहे हैं मतलब बकरी गाड़ी घूम रहे हैं, चलिए आप लोग हमारे साथ। आपने तो आप लोग को बोल ही दिया कि अभी हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं बोकरी बारी। सो अभी चलते हैं, आप लोग भी चलिए हमारे साथ डायरेक्टली। सो अभी हम लोग जाएंगे इसी रास्ते से, सो चलिए। अभी फिलहाल चलते चलते आ चुके हैं गेट में, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे यही है वो गेट। सो अभी हम लोग जाएंगे डायरेक्टली मंदिर के अंदर में, तो तब तक आप लोग बने रहिए इसी वीडियो में, सो चलते हैं। फाइनली तो आ चुके हैं बकरी वाली पर, आप लोग देख सकते हैं, और मेरे साथ आया है मेरा ही भाई आकाश भाई, जो कि अभी फिलहाल वहाँ पे है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी जाएंगे ऊपर में, तो चलो ये भाई चलते हैं, तो चलिए। मतलब कि आज हम लोग को आने में बहुत ही लेट हो गया, क्योंकि मतलब आज तो मतलब मुझे मेरा कुछ इम्पोर्टेंट काम था, तो इसी चलते घर से भी निकलने में हम लोग को देरी हो गया। करीब 2 बजे था तभी मैं घर से निकला। सो फिलहाल तो अभी चलते चलते अभी आ चुका है, और अभी टाइम भी हो चुका है 5 बज चुका है 5 PM। सो अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे सीढ़ी है डोकरी बारी का। सो अभी
सीढ़ी के ऊपर में चढ़ते हैं, उसके बाद ही हम लोग को मिलेगा मंदिर। सो तब तक आप लोग इसी वीडियो में बने रहिए, सो चलते हैं। फाइनली आ चुके हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये गेट। सो आते ही मैंने पहले जो देखा आप लोग को भी दिखा देता हूँ। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है हम लोग का गणेश भगवान। सो गणेश जी, अभी चलते हैं मंदिर में। सो वहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं वही है गेट। सो मैं आप लोग को जल्दी जल्दी लेके चलता हूँ। सो चलिए थोड़ा सा दौड़ते हैं। सो फाइनली दौड़ते दौड़ते अभी आ चुके हैं मंदिर में। अभी तो हम लोग का टाइम ज़्यादा हो चुका है, 5 भी बज चुका है। सो इसलिए अभी मंदिर का गेट बंद ही है। सो फिलहाल कुछ नहीं, मैं आप लोग को फिर भी दिखाऊंगा। सो आप लोग भी देखिए। तो गाइस मतलब क्या हुआ, मैं आप लोगों को बोलता हूँ, मतलब मुझे तो अभी तक उतना कुछ मालूम नहीं पड़ा, जितना भी मालूम पड़ा मैं आप लोग अभी बोलता हूँ। मतलब मुझे जितना मालूम पड़ा उसमें 1600 शती का, मतलब जो कि होता है आज से करीब 500 ईयर पहले, यहाँ पे मतलब इस मंदिर का उद्घाटन यहाँ पे हुआ था। गाइस फिलहाल मंदिर में आ चुके हैं, आप लोग यहाँ पे गेट देख सकते हैं जो कि ऊपर में पूरा दो आँख के जैसा दिया है, और ये दो आँख ही है, मतलब माता का आँख को मतलब दिखा के यहाँ पे आँख दिया गया है। और फिलहाल अभी अंदर में आ ही चुके हैं आप लोग, यहाँ पे फिलहाल आप लोग अभी देख सकते हैं, मैं फिलहाल अभी मंदिर के अंदर में ही हूँ। और आते आते ही मुझे यहाँ पे एक ढोल जैसा कुछ देखने में मिला, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं मुझे तो बेसिकली पता नहीं है। सो आप लोग तो अभी सुन ही चुके हैं इसके साउंड। और यहाँ पे है मंदिर। सो मतलब क्या होता है, बेसिकली मंदिर यहाँ पे सुबह को 9 जब बजता है तभी मंदिर खुलता है, और 1:30 बजे तक मंदिर बंद हो जाता है। सो इसीलिए हम लोग आज आप लोगों को मंदिर दिखा नहीं सके। और अगर आप लोग अगर मंदिर के इस साइड में अगर देखेंगे, सो आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे स्नैक, जो कि यहाँ पे पूरा बनाया हुआ है पंचोशाप, जिसको हम लोग बोलते हैं बंगाली में। सो अभी चलिए हम लोग यहाँ पे ही चलते हैं पंचोशाप के वहाँ पे। सो यहाँ पे तो मतलब आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ है, और देखने में भी बहुत ही मतलब अच्छा और मज़ा लगता है। सो अभी चल के देखते हैं कैसा लगता है, क्योंकि मेरा तो आज पहला दिन ही है। सो फिलहाल मैं अभी आ चुका हूँ अंदर में। मतलब यहाँ पे क्या है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे वहाँ पे है भगवान, और यहाँ पे भी देख सकते हैं यहाँ पे भी है। सो मैं तो अभी फिलहाल मंदिर में नहीं जा सकता, क्योंकि मैं मतलब नहाया नहीं था सुबह को जब भी निकला। सो मतलब क्या होता है, बेसिकली मैं सुबह को ही नहा लेता हूँ। सो फिर भी मतलब आज काम के वजह से मैं सुबह को नहा नहीं सका, इसलिए मैं वहाँ पे जा नहीं सकता। आप लोग क्या से भी देख सकते हैं, देखने में तो बहुत ही सुंदर है। सो कैसे आप लोग देख सकते हैं मंदिर पूरा नीचे से ऊपर तक। और यहाँ पे आप लोग साइड में अगर देखेंगे, सो मैं बोल देता हूँ आप लोग को, यहाँ पे है बहुत ही मतलब पेड़, बेसिकली मतलब क्या है एक पहाड़, एक छोटा सा पहाड़ आप लोग इसको समझ सकते हैं, और पहाड़ के ऊपर में ही है मंदिर। सो मैं आप लोग को यहाँ से भी दिखा देता हूँ। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं पूरा ही पेड़ पेड़ पेड़, मतलब पहाड़ के बीच में पेड़। सो वहाँ पे भी गेट है। सो चलिए चल के देखते हैं हम लोग वहाँ पे जा सकते हैं कि नहीं। सो चलते हैं इसी वीडियो में, आप लोग भी बने रहिए। और गाइस आप लोग ज़रूर इस वीडियो में कमेंट करना कि आप लोगों को देखने में वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को कैसा लगता है। और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मतलब एक बोध गाछ है, जो कि क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे तो उतना क्लियर नहीं है। सकते यह है मंदिर का एक नियम, मतलब जो भी आदमी आता है यहाँ पे, आदमी और औरत, मतलब कि हम लोग जब भी पूजा करने के लिए आते हैं, सो हम लोग नीचे से इसको खरीद के यहाँ पे मतलब हम लोग इसको लगा देते हैं, ताकि हम लोग अगर कुछ अगर भगवान को बोलना होगा कि सर आप कुछ कुछ कीजिए, सो वही भगवान जी हम लोग के लिए कर देंगे। सो अभी चलिए हम लोग यहाँ पर चलते हैं। सो गाइस मतलब क्या हो, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे है सीढ़ी, में वहाँ पे अभी नहीं जा सकता, क्योंकि इसका रीज़न एक ही है, मैं यहाँ पे तो अकेला आया था। सो इसलिए मतलब मुझे वहाँ पे डर लग रहा है, कि ताकि मतलब वहाँ पे बहुत सारा बंदर है मंकी, आप लोगों को तो मैंने वहाँ पे दिखाई दिया मंकी, मतलब इसी कारण से मैं ऊपर में नहीं उठ रहा था। सो कुछ नहीं, यहाँ पे मतलब जब मैं जा रहा था तभी मुझे दो भाई देखने में मिला है। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, एक बार कैमरा में हाई कर दीजिए। सो अभी ये दोनों भाई मुझे मतलब ऊपर में लेके जा रहे हैं। सो चलिए चलते हैं, क्योंकि हम लोग का जो फ्रेंड मैंने आप लोग को पहले भी दिखाया था आकाश भूता, भी मतलब ऊपर में नहीं आ सका, क्योंकि उसका कुछ निजी कारण है। सो उससे पता नहीं था, जब भी मंदिर में आया तभी उसको पता चला। सो इसी कारण वो आ नहीं सका। सो मैं तो फिलहाल अकेला ही था, लेकिन मेरे साथ कंपनी देने के लिए दो भाई या का ही मतलब आ चुका है। सो अभी चलते हैं मंदिर के अंदर में, आप लोग भी चलिए। अभी इस सीढ़ी से अभी हम लोग जा रहे हैं। सो जाते जाते ही आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाया था एक शंकर भगवान का मंदिर है, मंदिर नहीं सॉरी शंकर भगवान का एक दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सो चलिए अभी मंदिर के अंदर में। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं, मतलब मेरा तो आज आने में बहुत ही लेट हो गया। सो इसलिए यहाँ पे जितना भी दुकान था सब कुछ बंद हो चुका है, और मैंने आप लोग को पहले भी बोला था कि मेरा लेट हो गया, इसलिए मंदिर भी बंद हो चुका है। सो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, मैं मंदिर के सामने आप लोग को लेके आया हूँ। सो यहाँ पे है, आप लोग यहाँ पे देखिए भैया मंदिर, मतलब माँ दुर्गा का है,
माँ दुर्गा का ही मंदिर है। मैंने तो आप लोगों को अभी दिखा दिया, सो यहाँ पे और एक मंदिर है, हम लोग अभी वहाँ पे जा रहे हैं। सो आप लोग भी चलिए, मैं आप लोगों को सिर्फ इतना टाइम से बोल ही रहा हूँ कि चलिए चलिए चलिए। सो फिलहाल तो अभी आ चुके हैं, यही है और एक मंदिर, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ही है वो, मतलब दो भाई कि कोई मतलब मुझे इतना हेल्प किया, सो इसीलिए तो भाई को तो थैंक्स बोलना बनता है। सो मैंने तो पहले ही भाई को थैंक्स बोल दिया, फिर भी अभी ऑन कैमरा में आप लोगों के सामने मैं बोल रहा हूँ। सो अभी ये दो भाई मतलब अपना परिचय देगा। सो मेरा नाम है लातिफुल खाबिर। और भाई आपका? मून। बोल दीजिए यहाँ पर। हाँ, मेरा नाम मून है। और आपका घर तो यहाँ पे ही है? हाँ, यहाँ पे लोकल में है। और सब लोगों को तो मैंने अभी परिचय करा ही दिया है। सो अभी चलिए चलते हैं, मतलब यहाँ पे क्या होता है मैं आप लोगों को बोल देता हूँ। यहाँ मतलब बहुत सारा मंकी रहता है, मंकी मतलब बंदर। सो आज हम लोग का अच्छा ही है दिन, उतना सारा मंकी अभी हम लोग को देखने में नहीं मिला, क्योंकि अगर मंकी का भीड़ होता तो हम लोग को वीडियो करने में थोड़ा बहुत परेशानी होता। सो कुछ नहीं, अभी चलते हैं नीचे में। सो तब तक आप लोग भी चलिए हमारे साथ। फिलहाल मैं तो अभी मंदिर के नीचे से आ चुका हूँ, तो आज का ये वीडियो मैं यहाँ पे ही एंड करता हूँ। आप लोगों को कैसा लगा ये वाला ब्लॉग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप लोगों को ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, बाय, चलते हैं।